डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान आया है सोहना से। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर बोले हैं दुष्यंत चौटाला। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली चुनाव से एक बात साबित हुई, जनता क्षेत्रीय पार्टियों को ज्यादा चाहती है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि दिल्ली चुनाव से एक बात साबित हुई, जनता क्षेत्रीय पार्टियों को ज्यादा चाहती है। शिक्षा को लेकर हरियाणा में जल्द बदलाव की बात कही डिप्टी सीएम ने। सोहना से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान आया है। दो मामलों पर बोले हैं, हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था पर और दिल्ली चुनाव के नतीजों पर। सबसे पहले दिल्ली चुनाव के नतीजों पर देखिए, दुष्यंत चौटाला ने कहा कि दिल्ली चुनाव से एक बात तो साबित हो गई है कि जनता क्षेत्रीय पार्टियों को ज्यादा चाहती है। इसके अलावा प्रदेश में शिक्षा को लेकर हरियाणा में जल्द बदलाव होगा, ये बात भी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कही। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान सोहना से, ये बड़ी खबर। दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली चुनाव के नतीजों पर अपनी बात रखी है। प्रतिक्रिया देते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि दिल्ली चुनाव से ये साबित हो गया कि लोग क्षेत्रीय पार्टियों को ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा चाहते हैं। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का भी जिक्र किया डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने, ये कहते हुए कि बहुत ही जल्द शिक्षा को लेकर हरियाणा में बदलाव होगा। अब किस बदलाव की ओर इशारा है दुष्यंत चौटाला का, ये जानना जरूरी है। हमारे संवाददाता सतीश राघव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सतीश, दो मसलों पर बोले हैं दुष्यंत चौटाला, दिल्ली चुनाव के नतीजों पर और प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पर। थोड़ा विस्तार से बताएं क्या कह रहे थे और कुछ भी बोले हैं क्या? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके का दुष्यंत चौटाला जो थे, यहाँ पे एनवीजीएसएम कॉलेज जो था, इसका दीक्षांत समारोह था, यहाँ पे उन्होंने शिकायत की थी और करीब 150 छात्र छात्राओं को उन्होंने यहाँ पे डिग्रियां भी दी थी। उसके बाद उन्होंने मीडिया के समक्ष जब वो आए और दिल्ली चुनाव के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि जनता जो है फिलहाल रीजनल पार्टी जो है उनकी तरफ उसका रुझान ज्यादा है, ये इन चुनावों में देखने के लिए मिला है। और उसके अलावा शिक्षा की जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा है कि शिक्षा की जो प्रणाली है इसका बजट जल्द ही आने वाला है और एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था जो है प्रदेश सरकार को मिलेगी। शिक्षा में बदलाव की भी कोई बात कह रहे थे सतीश? जिस तरीका से शिक्षा की जब वो बात की गई थी, किस तरीका से शिक्षा में बदलाव किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि अभी जल्दी बजट आने वाला है, इस वन वीक के अंदर बजट आ जाएगा, शिक्षा का जो स्तर है उसको ऊंचा किया जाएगा। यानी ये तय है कि शिक्षा के लिए बजट के साथ साथ काफी सारी योजनाएं जो है वो इस बार सरकार की तरफ से दिखेंगी, ये इशारा कर दिया है डिप्टी सीएम ने। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सतीश इस जानकारी के लिए।